हाय गाइस, बी टाउन ऑफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान सर की आने वाली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे कि वो अपने फैंस के लिए और भी कई सारी फिल्मों के अनाउंसमेंट करने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शाहरुख खान सर की और कौन सी फिल्म आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों, 2 साल से शाहरुख खान सर की कोई भी फिल्म नहीं आई थी। उनकी लास्ट फिल्म थी जीरो, जो कि डायरेक्शन दिया था आनंद एल राय ने। बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा खासा बिजनेस नहीं कर पाई थी। उसके बाद शाहरुख खान सर के फैंस चाहते थे कि कोई बड़ी फिल्म लेके आए शाहरुख खान, और दोस्तों कुछ ऐसा ही किया। शाहरुख खान ने अपने फैंस को नाराज नहीं किया और बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी, जिनमें से सबसे पहले फिल्म की अनाउंसमेंट की उस फिल्म का नाम है पठान, और उस फिल्म के अंदर हमें जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। और उस फिल्म को डायरेक्शन दिया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने पिछले साल वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्शन दिया। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरी फिल्म की जो अनाउंसमेंट की है, उस फिल्म का टाइटल है संकी, और उस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे साउथ के सबसे बड़े सुपर डायरेक्टर अटली कुमार, जिन्होंने थेरी, विजय थालापति सर की थेरी फिल्म को डायरेक्शन दिया था। उस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी के बारे में। ईद 2013 को चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म रिलीज हुई थी, और उस फिल्म को डायरेक्शन दिया था रोहित शेट्टी ने, और प्रोड्यूस किया था गौरी खान और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने। दोस्तों, रोमांटिक कॉमेडी एक्शन फिल्म थी, और इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण देखने को मिले थे, और इस फिल्म के अंदर जो कंटेंट था दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। 221 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में, और 65 करोड़ के बजट में बनाया था। इस फिल्म के सॉन्ग और डायलॉग सुपर हिट साबित हुए थे। अब चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के सक्सेस के बाद इस फिल्म का पार्ट 2 बनने जा रहा है, चेन्नई एक्सप्रेस 2, और इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें फिर से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, डायरेक्शन की बात करें तो रोहित शेट्टी ही इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं। फिल्म के अंदर हमें कॉमेडी, एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा, जिस तरह से चेन्नई एक्सप्रेस में देखने को मिला था। बजट की बात करें तो 75 से 100 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, और दोस्तों बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करें तो ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप शाहरुख खान की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, चेन्नई एक्सप्रेस 2, पठान या संकी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।